जो विद्या दिशा सुधि जो विद्या दिशा सुधि गुरु शुद्धात्म में निरत नित्य हितो उपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हे सयानी पूजो ने सतत के ज्ञान पानी पूजो ने सतत केवल ज्ञान पानी। बोले भगवान महावीर स्वामी के दस लक्षण महापर्व की आचार्य भगवान विद्यासागर मुनि महाराज की सभी अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं, अपने जीवन को स्वयं अनुशासित और मर्यादित बनाने से हमारा जीवन अच्छा बनता है, ये हमने समझा है। हमारा अपना जीवन जिन क्षणों में हम स्वयं मर्यादित और अनुशासित बना लेते हैं उससे हमारी आत्मशक्ति आत्मविश्वास बढ़ता है और उस आत्मविश्वास और आत्मशक्ति के द्वारा हम चाहें तो अपने परिणामों को निर्बल बनाकर कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। वे सारे कार्य जो कि आत्मविशुद्धि पूर्वक किए जाते हैं कर्मों की निर्जरा में कारण बनते हैं और कर्म शार्थम तपते इति तबा जो कर्म क्षय के लिए किया जाए वो सब तप कहलाता है। मैं सोच रहा था कि कर्मों का क्षय तो हमारे विशुद्धि बढ़ने से होता है और विशुद्धि बढ़ती है कषायों की मंदता से, इसलिए आचार्यों ने ठीक ही लिखा है कि विषय कषाय से विरक्त होकर जो कुछ भी किया जाता है वो सब तपस्या ही है। हमारे चारों तरफ विषय कषाय की सामग्री फैली हुई है, उसी के संग्रह और संचय हम लगे रहते हैं। हमारी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करना तो ठीक है। गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा युग दर्शन करने वाला है। जग जग शयों में रथ पथ कर जाती निद्राएं सोता है, शिव के निष्कंटक पथ में विष्कंटक होता हो, निशा सन्नाता वन में वन चरते हूँ, शांत निराश
विषय कषायों से हम बच जाएंगे। हम विषय और कषायों को इसलिए स्वीकार करते हैं क्योंकि हमें विलासतापूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति का भाव बहुत प्रबल होने से उसी को पाने की आकांक्षा हमारे मन में हमेशा बनी रहती है और जो इच्छाएं हैं वे ही हमारे लिए विशुद्धि को घटाने में या विशुद्धि को बढ़ने से रोकने में कारण बनती हैं। तब आचार्य भगवंतों ने दूसरी भी परिभाषा लिख दी
कि इच्छा निरोधा तपा, जो कर्म के क्षय के लिए किया जाए वो सब तप है। यानी जो जो हमारे परिणामों को निर्मल बनाए वो सब तप है, और परिणाम निर्मल तब बनते हैं जब हम विलासतापूर्ण आवश्यकताओं को घटाते हैं, यानी अपनी इच्छाओं को हम जीत लेते हैं। इच्छाओं को नियंत्रित कर लेना यह तो अनुशासन है, लेकिन इच्छाओं को जीत लेना यह तपस्या है। हमने इच्छाओं को नियंत्रित करने की साधना पर विचार कर लिया है, आज हम अपने परिणामों को निर्मल बनाने के लिए अपनी इच्छाओं को जीतने का अभ्यास कैसे किया जाए इस पर विचार करें, तो तप धर्म हमारे जीवन में आसानी से आ सकता है। तपस्या हमारे जीवन को एक सुंदर रूप देती है। जैसे कलाकार अनगढ़ पाषाण में से सुंदर सी मूर्ति को तराश करके प्रकट कर देता है, ऐसे ही हमारे अपने जीवन को भी यदि हम चाहें तो तराश करके और बहुत सुंदर रूप दे सकते हैं। लेकिन वो तभी संभव है जबकि हम मन, वाणी और शरीर इन तीनों को तपस्या में लगाएं। वो तपस्या हमारे जीवन को तराश करके सुंदर बनाएगी। पर दो चीजें हम पहले समझ लें कि जब भी हम तपस्या करने के लिए तैयार हों तो तपस्या का स्वरूप क्या है, तपस्या का उद्देश्य क्या है, यह हमारे मन में बात स्पष्ट होना चाहिए। तपस्या के मायने ये नहीं है कि हम अपने शरीर को कष्ट में डालें। सामान्यतः शरीर को कष्ट देना ही तपस्या मान लिया जाता है। वास्तव में शरीर को कष्ट में डालना तपस्या नहीं है, बल्कि शरीर पर आने वाले कष्टों को समता पूर्वक सहन कर लेने का नाम तप है। लेकिन ये हमें सहसा समझ में नहीं आता। इसी तरह वाणी का तप है और मन का तप है। हम इन सबको बात स्पष्ट रूप से समझने की कोशिश करें, और जब भी हम इन मन, वाणी और शरीर से तपस्या करने का भाव बनाएं तो हमें उद्देश्य स्पष्ट रहना चाहिए। हमारे इस तप का उद्देश्य कहीं कोई बाहरी यश, ख्याति और लाभ का नहीं है, हमारे कर्मों के क्षय का या हमारे परिणामों की निर्मलता का उद्देश्य होना चाहिए। वरना हमारा द्वारा किया गया तप हमारी ही क्षति करने वाला है। तामसिक और राजसिक ये जो दो तप करने की विधियां हैं वे जीवन का पतन करने वाली हैं, और जो सात्विक तपस्या का ढंग है वही जीवन के उत्थान करने वाला है। इसलिए तप करने से पहले ये सावधानी रखें कि शास्त्र की कही हुई विधि से गुरुजनों के प्रति श्रद्धा पूर्वक तप को अंगीकार करें। जो व्यक्ति शास्त्र की विधि के अनुरूप या गुरुजनों के प्रति श्रद्धा के बिना तप करता है वो सब तप तामसिक तप कहलाता है, और दूसरे को दिखाने या अहंकार वश जो तप किया जाता है वो तप राजसिक तप कहलाता है। वर्तमान में इसी तरह की तपस्या बहुत प्रसिद्धि को प्राप्त है। हम सब भी उसी तपस्या में
लगे हुए हैं, होना चाहिए सात्विक तप, जिसमें कि हम अपने परिणामों को निर्मल बनाकर, अपनी विशुद्धि को बढ़ाकर, अपने संचित पाप कर्मों को नष्ट करते हैं। वास्तव में इस उद्देश्य से जो भी किया जाता है वो सब तप कहलाता है। लेकिन वर्तमान में मन माने ढंग से और हम कोई भी तप शुरू कर देते हैं, शास्त्रोक्त विधि और श्रद्धा दोनों का ही हमारे अंदर अभाव होता है, जिससे कि उस तप के द्वारा हमें कोई विशेष लाभ नहीं मिलता। मां जानती है कि किस बेटे को किस तरह से भोजन या दूध पिलाना है, भोजन देना है, लेकिन बेटा जिद करके बिना सोचे समझे और कुछ भी खा ले पी ले तो उससे उसका स्वास्थ्य ही गड़बड़ाता है। ठीक ऐसे ही गुरुजन जानते हैं कि सामने वाले की सामर्थ्य क्या है और उसे किस तरह की तपस्या करने पर परिणामों में निर्मलता आएगी। अगर हमने अपनी शक्ति से अधिक तपस्या अंगीकार कर ली तब वह भी संकलेश का कारण बनेगी, और अगर हम शक्ति होते हुए भी तपस्या से दूर हटेंगे तो वह भी हमारे लिए विषय कषाय में ले जाने वाली, यानी हमारा पतन करने वाली ही प्रवृत्ति कहलाएगी। इसलिए श्रद्धा पूर्वक शास्त्रोक्त विधि से ही तपस्या करनी चाहिए और ख्याति पूजा लाभ की दृष्टि से नहीं करनी चाहिए। वर्तमान में ये प्रक्रिया धीरे धीरे ख्याति पूजा लाभ की तरफ बढ़ती चली जा रही है। सबकी हो रही हो ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन अधिकांश देखने में यही आता है। हो सकता है हमारे देखने में ठीक ना आया हो, लेकिन हमें सावधानी तो रखनी चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि हमने जो उपवास किए हैं, व्रत और नियम अंगीकार किए हैं, वे सब दिखावे के लिए हो। हमारे 5 उपवास हो गए, हमारे 10 उपवास हो गए, इसलिए क्योंकि 10 लक्षण के अंत में 11वें दिन हमारी बात बाजे गाजे से पाड़ना होगी, लोग हमारी जय जयकार करेंगे, लोग हमें घर आकर के बधाइयां देंगे और हमारा अच्छा जुलूस निकलेगा, सम्मान होगा। ये सब चीजें इसके साथ जो प्रवेश कर गई हैं वो बहुत खतरनाक है। किसी भी साधक की साधना को मुश्किल में डालने वाली तो है, क्योंकि मन हमारा इतना मजबूत नहीं है कि जो इन सब चीजों से अलिप्त रह सके। हम जरूर से इनसे प्रभावित होते हैं, ये बात जुड़ी है कि हमारी तपस्या से कोई प्रभावित होकर के हमारा सम्मान करे, और वास्तविक सम्मान तो वो है कि अगर आप दूसरे की तपस्या से वास्तव में प्रभावित हैं तो स्वयं तपस्या करके उसका सम्मान करें, अकेले माला पहना के या शाल ओढ़ा करके उसका सम्मान नहीं होगा। लेकिन क्या करें, ऐसी प्रक्रिया ही धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही। तपस्या से प्रभावित होकर के कोई स्वयं तपस्या करके उसका सम्मान नहीं करता, बल्कि उसकी तपस्या को और अधिक कहना चाहिए राजसिक बनाने के लिए प्रयत्न करते हैं। अहंकार आ ही जाता है। बताओ तो विनोबा ने लिखा एक जगह कि मैंने भगवान का कितनी बार नाम लिया, ये भी मुझे अपनी डायरी में लिख के रखना पड़ता है। ये तो नोटों के हिसाब जैसा हो गया कि जैसे मैं कल तक 1 करोड़ रुपए हैं, 2 करोड़ रुपए हैं, 1,00,000, 2,00,000 रुपए हैं, इनका हिसाब रखता था, अब मेरी मालाएं कितनी हो गई नमोकार की, इसका हिसाब रखता हूं, गिन गिन करके भगवान का नाम लेता हूं।
और इतना ही नहीं, मैं त्याग तपस्या करता हूँ तो वह भी मैं गिन गिन के करता हूँ कि मेरे इतने हो गए तप, मेरे इतने हो गए व्रत। बुरा नहीं मानना, बुरा मानने के लिए नहीं लिखा, जिसने भी लिखा उसने हमें सावधान करने के लिए कहीं ऐसा ना हो कि मेरी तपस्या और ख्याति पूजा लाभ की तरफ मुड़ जाए और कर्मों के क्षय करने में निमित्त ना बन पाए, मैं अपने उद्देश्य से विचलित ना हो जाऊं। इसलिए जब जब भी हम त्याग तपस्या अंगीकार करें तो सावधानी रखें कि अपने उद्देश्य को बहुत निर्मल रखें। निर्मलता का ही उद्देश्य हो, ख्याति पूजा लाभ का उद्देश्य ना हो और शास्त्रोक्त विधि के अनुरूप हो। एक बात कहूं, उपवास करने वाले को या कि तप करने वाले को आचार्यों ने तो लिखा है कि विषय कषाय से जो विरक्त हो गया है, पर देखने में तो ये आता है कि विषय कषाय से तो विरक्त हुए नहीं और हम तप अंगीकार कर लेते हैं, नहीं देखने में आता। एक दिन का उपवास दूसरे दिन मुझे विषय कषायों की तरफ ले जाता है अगर, तो क्या वो विषय कषायों से विरक्त होकर के की गई तपस्या कहलाएगी? विचार करने के लिए है। 10 दिन का मेरा उपवास 11वें दिन मुझे विषय कषायों की तरफ ले जाए, क्या ठीक लगता है? होना तो ये चाहिए कि अब मैं जीवन भर के लिए विषय कषायों से उदासीन हो गया हूं, विरक्त हो गया हूं, मेरे जीवन में विषया शक्ति और कषायों में मंदता आई है, विषया शक्ति घटी है और कषायें मंद हुई है, ये मेरी तपस्या का फल मुझे प्राप्त हुआ। दोनों ही चीजें हैं, विषय कषाय की मंदता के साथ तप किया जाए और तप का फल भी विषय कषाय की कमी है, लेकिन ये बहुत कम लोगों में ही देखने में आता है। होना चाहिए अगर हम 10 दिन 10 लक्षण पर्व में तपस्या करते हैं तो उसका प्रतिफल हमारे जीवन में मिलना चाहिए, हमारी कषायें मंद होनी चाहिए और हमारी विषयों के प्रति आसक्ति घटनी चाहिए। हमें फिर विलासतापूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने की दौड़ में शामिल नहीं होना चाहिए, कम से कम इतना तो हम कर ही सकते हैं। जिसने 10 दिन तक तपस्या का स्वाद लिया है उसे संसार की चीजों का स्वाद फिर नहीं आएगा, तेरस बेरस लागे, फिर संसार के जो रस हैं वे स्वादहीन जान पड़ेंगे। पंचेंद्री के विषयों में फिर हमें कोई रस नहीं मालूम पड़ेगा, ये तपस्या का फल है। और तपस्या भी ऐसा ही व्यक्ति करे तो उसकी विशुद्धि बढ़ती है और उसके कर्मों की निर्जरा बढ़ती है। देखें कि क्या हम ऐसी तपस्या के लिए तैयारी कर पाएंगे। तैयारी तो अपने को ही करनी पड़ेगी भैया, दूसरा तो करेगा नहीं। जो अपन तप करने जा रहे हैं तो इतनी सावधानी रख करके हम तप करेंगे, और अब वाणी से भी तप करना है, शरीर से भी करना है, मन से भी करना है, तो किस तरह से किया जाए? शरीर के तप के लिए आचार्य भगवंतों ने लिखा, जिनेन्द्र भगवान की पूजा करना, गुरुजनों की सेवा करना, जिनवाणी का अभ्यास करना, दीन दुखी की मदद करना, ये शरीर के द्वारा किए जाने वाला तप है। अरे हम तो सोच रहे थे कि उपवास करने का नाम तप, ऐसा कैसे हो गया? वो उपवास करने का नाम तो तप है ही, लेकिन उसके पहले ये तप है, तप करने से पहले की भूमिका है। क्या मैं जिनेन्द्र भगवान की आराधना करता हूं, गुरुजनों की सेवा के लिए तत्पर रहता हूं, मेरे घर के सामने से निकलते हैं तब तो दौड़ करके उनके पैर छूता हूं, लेकिन 9:30 बजे मुझे आकर के पैर छूने और दबाने का वक्त नहीं मेरे पास,
वो तो जब मेरे घर के सामने से निकलेंगे तो हटो जी, तुम चार पांच लोगों ने क्या घेर रखा है महाराज को, पैर तो छूने दो, पैर छूने का राइट तो हमारा है, आप बने हो महाराज तो हमें अधिकार है कि आपके पैर छूएंगे, नहीं तो नहीं बनते आप। ये जो हमारे धर्म करने के ढंग है उससे मालूम पड़ता है। कल एक ढंग और देखा हमने धर्म करने का, मैं चूकूंगा नहीं कहने से, क्योंकि जब तक यही तस्वीर हमारी धर्म की रहेगी तब तक हमारे चेहरे पर उज्ज्वलता नहीं आएगी। ये एक नया धीरे धीरे, पहले तो मुझे याद है कि बुंदेलखंड के अंदर बस तेरस के दिन आधे मंदिरों की दर्शन करने की यात्रा होगी, चौदस के सवेरे से शेष मंदिरों के दर्शन की यात्रा, आकर के जिसको उपवास करना है, जिसको जल लेना है, एकासना करनी वो एकासना करेगा, दोपहर में घट यात्रा निकलेगी, भगवान जिनेन्द्र का अभिषेक होगा और पूरा दिन धर्म ध्यान में व्यतीत हुआ। इतना ही होता था, अब तो मंदिरों के दर्शन करने निकलेंगे और साथ में कुल एक ही द्रव्य, अष्ट द्रव्य से पूजा भी नहीं, सिर्फ एक ही द्रव्य, आठ द्रव्यों में से एक द्रव्य चढ़ाएंगे भगवान के सामने, और वह भी इतनी अधिक मात्रा में अग्नि में कि सारा मंदिर प्रवेश करने वाले को भी प्रवेश करना मुश्किल हो जाए, और नीचे सब में इतनी द्रव्य नीचे चावल और इसी में सब ऐसा फैल जाए कि झाड़ने वाले शाम को माली को आकर के देखो कि कितनी मुश्किल होती। और शाम को जब दर्शन करने में गया तो सब में फैला हुआ है अपार जीव राशि, पैर के नीचे मर रही है, उसका कोई विवेक नहीं है, बस मुझे तो सिर्फ धूप खेनी है तो मैं अपने धूप खेऊंगा, उसी में मेरा धर्म पूरा होगा। ये हमारे धर्म करने के ढंग पता नहीं कब बदलेंगे, कौन सी इससे विशुद्धि बड़ी होगी मुझे तो नहीं समझ में आया, पता नहीं किसी की बड़ी हो विशुद्धि, जले हो कर्म शायद धूप के साथ साथ, पर एक भी नहीं जले होंगे, क्योंकि जब शास्त्र प्रवचन हो रहा है तब भी लोग अपनी यात्रा में मग्न है, बस एकमात्र यात्रा ही करनी है मुझे, इस मंदिर से उस मंदिर, इस मंदिर में धूप खेई, तुमने कितनी वेदी पे खेई, हमने तो सब वेदी पे खेई, हमने तो सब मंदिरों में खेई, गाड़ियों में भर भर करके लोग जिसमें कि अपार जीव राशि का घात हो रहा है उसका कोई विवेक और विचार नहीं, अगर कहेंगे तो एक ही है चीज है कि महाराज आप भी ऐसी कह रहे, आपको तो मैं कहती हूं जब परंपरा तो बहुत पुरानी है, कछु पुरानी नहीं है, हमने भी अपने समय में आज से 25 साल पहले देखी है, उस समय तो नहीं थी, हमने तो टिकुल दशमी के दिन माँ लोगों को जरूर देखा है कि हमारा काम दोपहर का यही रहता था कि जाओ दुकानों से बढ़िया सी डब्बी खरीद के लाओ, फलानी दुकान से किताबें ले आओ धर्म की, और चिटके डाल दो, लौंग डाल दो, टिकली डाल दो डब्बी में, और दस्त हो डब्बी हमें दे दो, संजाखो बुलंदुआ में जाएंगे मंदिर में, सब जने आपस में अपना प्रेम भाव व्यक्त करेंगे, और जो किताब है छोटी सी इस सुगंध दशमी की वो सबको देंगे, दस दस उपकरण मंदिर में भेंट करेंगे और साधर्मी को दस दस धर्म के उपकरण देंगे, ये भर परंपरा की, ये अकेली जरा सी बाबी बाजार से खरीद के धूप ले आए कैसी बनी हुई है का पता, और वह अपन भगवान के सामने चढ़ाकर और अपन ने मान लिया कि धर्म हो। मुझे मालूम नहीं था, मैं तो निश्चिंत था, नहीं तो कल ही कह देता मैं, अब तो सब कछु होगा आपका, जो होने पे सो हो ही, अब जो समझदार है वो अगले बार सावधान रहेंगे, इतने ही है। शरीर से किए जाने वाले तप को भी हम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, विचार करिए, शरीर का तप है कि पूज्य पुरुषों के प्रति विनय, उनकी सेवा, उनकी आराधना, शास्त्र का अभ्यास और दीन दुखियों की मदद करना, अगर वास्तव में तप करना था तो इस तरह से तप करते तो शायद विशुद्धि बढ़ती, कभी करके देखिएगा किसी दीन दुखी की मदद, किसी रत्नत्रय की आराधना करने वाले की सेवा करके देखिएगा कैसी विशुद्धि बढ़ती है,
कैसे परिणामों में निर्मलता आती है, तब होंगे कर्मों का क्षय, तब होगा हमारे जीवन का उत्थान। रंगदास नाम के एक संत हुए, बचपन में उनके पिता ने उन्हें बाजार पैसे दे करके फल लाने के लिए भेजा। फल की दुकान तक पहुंचे उसके पहले ही रास्ते में इतने दीनहीन भूखे प्यासे लोग दिखाई पड़े कि फल खरीदने का मन नहीं हुआ। तब क्या किया, जो पैसे पिता ने दिए थे सो सब उनके लिए बांट दिए। अत्यंत प्रसन्न वे सब दीनहीन जिन्हें कि कई दिन से भोजन भी नहीं मिला था, और इनका मन भी प्रसन्न। जो विषयों में आसक्त होगा उसका मन प्रसन्न नहीं होगा, ये ध्यान रखना। इसलिए जो विषयों से विरक्त है और कषायों जिसकी मंद है वो तब कर सकता है। तब देखिएगा कितनी कम विषयाशक्ति थी, फल लेने गए थे, अब उस फल को लेने और खाने की इच्छा नहीं रही। कषायें अत्यंत मंद हो गई, विषयाशक्ति घट गई और शरीर से दूसरे की मदद कर दी, ये शरीर का तप। घर लौटे खाली हाथ, पिता ने पूछा कि नहीं लाए फल, बोले बाद में मिलेंगे। अरे फल बाद में मिलेंगे, तो किसी को पैसे दे आए वो देगा क्या? हाँ कहते दे आए, तो वो कब तक लेके आएगा? अब ये तो नहीं कह सकते। अरे भाई ठीक ठीक बताओ क्या करके आए? कहते सब दीनहीन गरीब थे, कई दिन से भूखे थे, उनके लिए हमने सब पैसे दे दिए। जो फल आपने खरीदने के लिए पैसे दिए थे वे सब इस तरह से समाप्त हो गए। पिता की आंख में आंसू आ गए, गदगद हो गए वो, तुम तो सेब फल या और दूसरे फल न खरीद करके मेरे जीवन में अमर फल खरीद करके ले आए। अपन लाए कभी अमर फल खरीद के? अपन तो अपने विषय भोग की सामग्री खरीद के ल्याई भैया। शरीर के द्वारा भी इस तरह से तपस्या की जा सकती है और वाणी का तप क्या है? अच्छे वचन बोलना, तर के हित के वचन ही बोलना, यही वाणी का तप है। और मन का तप क्या है? दोनों एक साथ आ जाएंगे एक ही उदाहरण में। और मन का तप क्या है? मन की प्रसन्नता, भाव न बिगड़ने देना, यही मन का तप है। और मन में प्रसन्नता बनी रहे, जिसके मन में प्रसन्नता है, जो अपने भावों को कलुषित नहीं होने देता, वही करता है मन का तप। हम तो क्षण क्षण में और अपने